Hello students, today we start class 8 chapter 1 physics friction. बच्चों हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में सुना है लाइक मस्कुलर फोर्स है ना, कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, मैनी टाइप ऑफ फोर्सेस है ना इन द लोअर क्लासेस. और हम इन सारे फोर्सेस को हमारे रियल लाइफ में वॉच भी करते हैं. ऐसा ही ये चैप्टर है हमारा, इट इज़ अबाउट ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट्स द फ्रिक्शन एक फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है. सपोज हम वॉकिंग करते हैं, तो जब हम वॉकिंग कर रहे हैं तो उसमें रिएक्शन और एक्शन दोनों काम कर रहे हैं. तो इसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम रियल लाइफ में देखते हैं जो फ्रिक्शन से कनेक्टेड है या फ्रिक्शनल फोर्स से कनेक्टेड है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन, हाउ इज फ्रिक्शन कॉज्ड, फ्रिक्शन अफेक्टिंग लिमिटिंग फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड्स एंड गैसेस, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस, मैथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन एंड मैथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन. लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज फ्रिक्शन? अब फ्रिक्शन क्या है बच्चों? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है. तो उसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग बैलेंस का. आपकी स्क्रीन पे एक स्प्रिंग बैलेंस जो है वो शो हो रही है. स्प्रिंग बैलेंस, इसमें सबसे टॉप में आप देख रहे हैं सस्पेंशन हुक है और बॉटम में एक हुक है, लोडिंग हुक, जिससे अपन ऑब्जेक्ट या बॉडी को हैंग कर रहे हैं. स्प्रिंग, पॉइंटर, स्टील टिप एंड स्लिप, दीज आर सम पार्ट ऑफ दिस. अब सपोजली इस हुक के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया है. हैंग भी कर सकते हैं और हम इसको किसी टेबल पे लाए भी कर सकते हैं, है ना. व्हाट वी आर सीइंग दैट अगर हम इसमें एक फोर्स, अपोज फोर्स यूज कर रहे हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो वेट है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो डाउनवर्ड, और जो हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ऊपर. जैसे मान लीजिए मैं हुक को ऊपर की तरफ पुल कर रहा हूँ, तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये जो अपोजिंग फोर्स जो वर्क कर रहा है, ये अपोजिंग फोर्स मीन्स दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. तो हम इसको डिफाइन क्या करेंगे, द अपोजिंग फोर्स कॉल इन टू प्ले व्हेन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ अदर वन अनादर टेंड टू स्लाइड रिलेटिव टू वन अनादर, दैट इज द वर्ड ऑफ स्प्रिंग फ्रिक्शनल फोर्स. उसे अपन क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स. अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वील सी दैट हाउ फ्रिक्शन इज कॉज्ड. ये जो अपोजिंग फोर्स हो रहा है ये कैसे कॉज्ड होता है, ये फ्रिक्शन कॉज कैसे होता है. हमारी स्क्रीन पर एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है. उस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि टू सर्फेसेज हैं, लाइक इट इज सर्फेस ए एंड इट इज सर्फेस बी, एंड इन दिस टू सर्फेस देयर इज अबाउट ऑफ इरेगुलरिटीज वी आर लुकिंग. ये हमको इसके अंदर बहुत सारी इरेगुलरिटीज दिख रही हैं, और इन इरेगुलरिटीज में क्या है, कुछ इंटरलॉक्ड पार्ट भी हम कह सकते हैं हमें दिखाई दे रहे हैं. सो दिस इज अबाउट व्हेन टू बॉडीज आर प्लेस्ड अपॉन वन अनादर द इरेगुलरिटीज ऑफ द सर्फेसेस इन सर्फेसेस ऑफ टू बॉडीज गेट्स इंटरलॉक्ड एज यू आर लुकिंग इन द पिक्चर. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड इन वन बॉडी टू स्लाइड इट अपॉन another body, its interlocked irregularities opposing the applied force, which appear as in the form of friction. तो ये आपने देखा कि friction कैसे caused होता है. तो इसमें mean the two things we are looking, there is a two surface interlocked and irregularities, which what oppose the applied force, that appear the friction. Okay, now we'll see about the different types of friction. Frictions are
It is of the static friction. Static means that is about of simply we can say the stop motion, limiting friction and dynamic. We are looking about here the dynamic friction, limiting friction. Limiting friction, the maximum force of friction called into play when one body just slide upon another. जब एक बॉडी दूसरे पे स्लाइड कर रहा है तो उनके बीच में जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वर्क कर रहा है उसे अपन क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ देर आर सम फैक्टर. अब लिमिटिंग फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं. अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो नंबर वन, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ बॉडी बिकॉज दैट एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. Number two, it depends upon the nature of surface. Just earlier you will be see about interlocked irregularities. So, that also depend upon the nature of surface in contact with others. And number three, limiting friction is increased with the increase in the weight of body. कैसे बढ़ सकता है? अगर body का weight increase होगा, तो limiting fractions भी क्या होगा? Increase होगा. That's all for today. Thank you.